प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वोट के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमें भारत में कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। उन राजनीतिक अधिकारों में हमें वोट देने का, अर्थात अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, उसे ही हम वोट का अधिकार कहते हैं। तो आज इसके महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है जैसे कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। पूरे संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, जो है सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय सरकार जो होती है वहां पर वो सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है, वो लोगों की सरकार होती है और लोगों के लिए ही वो काम करती है। यहाँ पर भारत में 18 वर्ष की आयु का जो नागरिक है, स्त्री है या पुरुष है, उन सभी को अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों, शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं, नगर निगमों का चुनाव लोगों के द्वारा ही होता है। इनका चुनाव लोग ही करते हैं। लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके इनका चुनाव करते हैं। राज्य स्तर पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों जैसे MLAs और केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के सदस्य जैसे MPs का चुनाव भी लोग ही अपने वोट का इस्तेमाल करके करते हैं। हमारे देश में वोट का अधिकार हर इंसान को जिसकी आयु 18 वर्ष हो या अधिक हो, सभी स्त्री और पुरुषों को प्राप्त है। इन सभी को बिना किसी रंग, नस्ल, जाति इत्यादि के भेदभाव के बिना ये अधिकार प्राप्त है। लोग सरकार के प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि आगे जाकर के सरकार का काम करते हैं। वही लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं और उन्हीं कानूनों के आधार पर हमारे देश का काम चलता है। इसलिए हमें अपने वोट का प्रयोग अवश्य और सोच समझ कर करना चाहिए। वोट का अधिकार जो है एक बड़ा पवित्र अधिकार है, बड़ा जिम्मेदारी वाला ये काम है। हम सभी को अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर अच्छे व्यक्ति को करना चाहिए। वोट के द्वारा ही हम जो सरकार है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि वोट के अधिकार में बहुत ही शक्ति है। हम अपने वोट के द्वारा ही सरकार को बार बार, यानी कि अपने हिसाब से लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं। तो कई लोग जो हैं वो सोचते हैं कि वोट क्या करने जाना है, हमने वोट क्यों डालना है, पर ऐसी बात नहीं है। हम सभी के दिमाग में ये होना चाहिए, हम सभी एक दूसरे को भी हमें जागरूक करना चाहिए कि नहीं, हमें अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, अवश्य करना है और सही ढंग से करना है। तो इसलिए मैं बच्चों आपको सभी को कहती हूँ कि
आप अपने घरों में भी अपने जो बड़े हैं आपके बुजुर्ग हैं वो वोट डालना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको वोट के महत्व यानी कि इसके फायदे का, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताना है। इसी तरह से हम अपने वोट का इस्तेमाल करके अच्छी सरकार और अच्छे उम्मीदवार चुन सकते हैं जो लोगों की भलाई और कल्याण का काम करें। लोगों के वोट में ही सरकार को बदलने की क्षमता है। लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके सरकार को बदल सकते हैं, यानी कि लोग अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। अपने घरों में बड़ों को भी समझाना है कि अपने वोट का जो प्रयोग है वो ज़रूरी करना है, और हम सभी को किसी में किसी लालच में नहीं आना है कि कोई इंसान कोई उम्मीदवार ऐसे कई बार किसी को कोई लालच देते हैं, तो किसी लालच में भी नहीं आना है। हमें जब अपना वोट देना है तो अपने अपने दिमाग से ये सोचना है कि हम सही उम्मीदवार का, सही ईमानदार मेहनती और देशभक्त उम्मीदवार का ही चुनाव करें, ताकि हम अपने देश को महान बना सकें। आप तो देश का भविष्य हो, यानी कि जो आप लोग हो, विद्यार्थी हो, बच्चे हो, आप हमारे देश का भविष्य हो, यानी कि आगे जाके देश की बागडोर आप लोगों के हाथों में होगी। आप लोगों में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा काम करना है। तो हमें इतना सभी को पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे में जागरूकता होनी चाहिए, ये चेतना होनी चाहिए कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य और सही तरीके से करना है। हमने दूसरों को भी समझाना है, अपने घरों में अपने बड़ों को समझाना है, सरकार और चुनाव कमीशन जो है ये भी समय समय पर वोट के अधिकार के महत्व को बताने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये बार बार इस तरह की मुहिमें चलाते रहते हैं कि बच्चों को बताओ, कोई मतलब कि उनका क्विज कराओ, कोई उनको मोटिवेशनल मैसेज करो, कोई उनके चार्ट मेकिंग कंपटीशन करवाओ। तो इस तरह से ये सारा काम करने का लक्ष्य यही है कि हम सभी को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारा ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हम सही सरकार को चुन सकते हैं, सही उम्मीदवारों को चुन सकते हैं, और वही उम्मीदवार आगे जाके सरकार का काम करेंगे। अगर हम सही लोगों को नहीं चुनेंगे तो वो लोग सरकार का अच्छा काम नहीं कर सकेंगे, और हमारे देश का जो कल्याण है, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको बार बार सभी विद्यार्थियों को ये कहती हूँ, ये मेरा मैसेज है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल सही और अवश्य करो, और अपने आसपास के लोगों को यही समझाओ कि वोट का इस्तेमाल करना जो है वो एक पवित्र काम है, और
सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसको निभाना जो है ये सबसे ज्यादा अच्छा और जिम्मेदारी वाला काम है। अगर हम आधे लोग हमारे में यही सोचेंगे कि हमने वोट डालने नहीं जाना है, तो वहाँ पे वोटिंग जो है वो ही कितनी कम होगी। तो उनमें से कितने लोग बता सकेंगे कि किस उम्मीदवार को चुनना है, तो सही पता नहीं लग सकता। तो इसलिए हम सभी को ये काम जरूरी करना है। ठीक है, धन्यवाद।